इस संसार के निर्माण में मानवीय मूल्यों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इन मूल्यों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय, जो प्रेम पूर्ण सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं संवेदनाओं की अलग जगाते मनुष्य निर्माण में समय समय पर कई महापुरुषों ने अपना अपना अलग अलग योगदान दिया है। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में जम्बू द्वीप पर भारत की नाग नगरी में एक क्रांति सूर्य का उदय हुआ, जिनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। मनुष्य की गरिमा एवं मानवीय सभ्यता का एक ऐसा चेहरा जिन्हें सदियां आज भी नमन करती है, जिन्होंने दक्षतापूर्ण कौशल्य से बौद्धिक विकास के आधार पर एक नए युग के निर्माण की नींव रखी और मानवीय सभ्यता के इतिहास का भूत वर्तमान तथा भविष्य बन गए। एक बात दुनिया के सामने रखी, अपनी वर्तमान पहचान को भविष्य में भी बनाए रखने के लिए अपने भूतकाल को, अपने इतिहास को अपने जहन में जिंदा रखना होगा। इसे समय की विडंबना ही कहा जाएगा। सिंधु घाटी की उस वक्त का जीवन अभी भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस भाषा को अब तक पढ़ा नहीं जा सका जो सिंधु घाटी के शिलालेखों से मिली है। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में निवास करने वाले आदिम जमाति की भाषा गोंडी, संथाली, द्रविडियन भाषा, ये इस भाषा से बहुत साम्यता रखती है और इन्हें लिपि से जोड़कर सिंधु घाटी के प्राप्त शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश जारी है। इसमें कर्मकांड, यज्ञ याग, पुरोहितवाद को कोई जगह नहीं थी। यह मानवीय संवेदनाओं का बुद्धवाद था। इसी मानवतावादी संस्कृति पर आर्य ब्राह्मण वैदिकों ने पुनः आक्रमण किया और इस बार सम्राट अशोक के नाती राजा बृहद्रथ की उन्हीं के सेनापति पुष्पमित्र श्रृंग ने छल से हत्या की और मगध सम्राट पद हासिल किया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और कार्य तथा उनके जीवन का संघर्ष अपने आप में एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है, जो उन्होंने एक योद्धा की तरह जिया और जीता भी। सुभेदार रामजी सेना में नौकरी कर रहे थे, तब फौजी वातावरण में बालक भीम को अछूतपन की वैसी ठेस नहीं पहुंची। लेकिन अब जो भीम थोड़ा बड़ा हो चला समझने लायक, तो एक दिन भीम एक नाई के पास गया और बोला, बाल काटने हैं। नाई बोला, चल चल, एक अछूत होकर मुझसे बाल कटाने आया है। भीम के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, वह आंखें पोंछता हुआ घर गया। बड़ी बहन तुलसी ने पूछा, भीम रोता क्यों है? भीम ने आप बीती सुनाई। तुलसी बाई बोली, इसमें रोने की क्या बात है, ला मैं तेरे बाल काट देती हूं। नाई का बाल काटने से इनकार करना मानवता का अपमान था, लेकिन भीम विवश था, क्या करता, जहर को पी गया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की एक और घटना है, जब वे सातारा के हाईस्कूल में पढ़ रहे थे और उन्हें दोपहर में प्यास लगी। मास्टर ने माली को नल खोल कर देने के लिए कहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने संस्मरणों में बताते हैं कि जब माली या चपरासी स्कूल में नहीं हुआ करता था तो सारा दिन प्यास में ही गुजर जाता था। बहरहाल मास्टर ने माली को नल खोलने के लिए कहा और डॉक्टर अंबेडकर ने नल से नीचे गिरते हुए पानी को उल्टा मुंह करके पिया, क्योंकि अछूतों को सार्वजनिक जगह पर पानी पीने या उसे छूने की अनुमति नहीं थी, ये सवर्णों ने बनाया हुआ नियम था। यह अनुभूति भीम के स्वभाव पर बड़ा गहरा असर कर गई। भीम स्वभाव से स्वाभिमानी थे। ऐसे छोटे छोटे अनेक घटनाओं ने और ऐसे अनुभवों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था का घोर शत्रु बनाया। एक घटना तो स्कूल की ऐसी भी है। हाई स्कूल सरकारी ही था तो क्या हुआ, एक दिन गणित के अध्यापक ने भीम से कहा कि जाओ तुम बोर्ड पर इस सवाल को हल करो। जो ही भीम बोर्ड की ओर बढ़ा सारे बच्चे चिल्लाए, रुको, हमारे रोटियों के डिब्बे बोर्ड के पीछे रखे हैं।
उन्हें स्पर्श हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। जब लड़कों ने अपने अपने डिब्बे उठा लिए तब कहीं भीम बोर्ड के पास जा सका। अध्यापक ने लड़कों से कुछ नहीं कहा, उसका काम उन्हें गणित पढ़ाना था, शिष्टाचार सिखाना नहीं। वो भी छुआछूत को धर्म ही मानता रहा होगा। एक बार तो ब्राह्मण अध्यापक ने भीम से कह दिया, अरे तू महार है, आखिर पढ़ लिख कर क्या करेगा। भीम ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा सर, ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। यदि दोबारा इस प्रकार मेरी जाति का उल्लेख कर मेरा अपमान किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा उत्तर तो कोई विद्रोही भीम ही दे सकता था। भीमराव ने चौथी की परीक्षा पास कर ली। अब सूबेदार रामजी को भीम की आगे की पढ़ाई की चिंता सताने लगी, क्योंकि ज्योतिराव फुले का आंदोलन उन्होंने देखा और सूबेदार रामजी सेना हेडमास्टर थे तो वो शिक्षा का महत्व भलीभांति जानते थे। सूबेदार रामजी ने सातारा छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया और परेल की डबकचाल में एक खफरे लगी इमारत में एक किराए पर कमरा ले लिया और सरकारी हाई स्कूल एल्फिंस्टन में भीमराव का दाखिला हो गया। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। सूबेदार रामजी की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि अछूत वर्ग में मैट्रिक पास होने वाले वे पहले विद्यार्थी थे। आगे की शिक्षा के लिए भीमराव का दाखिला मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में किया गया, लेकिन परिवार का आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ उनकी मदद के लिए आगे आए। बड़ौदा नरेश से भीमराव को हर माह 25 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी। इसके लिए उन्होंने हुजूर ऑर्डर भी पास कर लिया था। इस समय बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ इस बात पर विचार कर रहे थे कि कुछ छात्रों को रियासत की ओर से पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा जाए। भीमराव ने सोचा कि महाराज से मुलाकात की जाए, लेकिन जब वो महाराज से मिले तो महाराज ने कहा, मैं तुम्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजना चाहता हूँ, क्या तुम अमेरिका जाना चाहते हो? जी। भीम, समझो हमने तुम्हें छात्रवृत्ति देकर विदेश पढ़ने के लिए भेजा, तो तुम विदेश जाकर किन विषयों में अध्ययन करोगे? महाराज, मैं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव वंश शास्त्र और पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन करूंगा। लेकिन अन्य लोग विदेश जाकर विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, तुम इन विषयों को क्यों पढ़ना चाहते हो? इन विषयों के अध्ययन से मुझे इस प्रकार के रास्ते दिखाई देंगे कि मैं अपने समाज को दुर्गति से बाहर निकाल सकूं। तो क्या अमेरिका जाना चाहोगे? यदि आपकी सहायता होगी तो अवश्य जाऊंगा। हाँ, ठीक है, तुम विदेश में विद्यार्जन करने के लिए शिक्षा मंत्री को अर्जी भेज दो। जी। और मुझे इसकी सूचना दो। भीमराव अम्बेडकर ने अमेरिका में अर्थशास्त्र मुख्य विषय के साथ समाजशास्त्र, मानव वंशास्त्र और राजनीति शास्त्र को भी पढ़ा। फ्रेंच और जर्मनी भाषा भी इसी अभ्यासक्रम में शामिल थी। लेकिन अमेरिका में डॉक्टर अम्बेडकर जिस बात से ज्यादा प्रभावित हुए वह था अमेरिका का वो विधान और वो संशोधन जिसके तहत अमेरिका के निगरों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए और पीएचडी की सफलता के बाद भीमराव अंबेडकर बन गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह बिल्कुल चमत्कार ही था कि वह समुदाय जिसे सदियों से हाशिए पर रखा गया, उस समुदाय का कोई युवक इतना उच्च शिक्षित बन गया। अब डॉक्टर अंबेडकर का वास्तविक मिशन शुरू हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का विधिवत अध्ययन किया, अन्य समुदायों से अपने समुदाय के रिलेशनशिप पर खोजबीन की, वर्ण और जाति के आधार पर किए जाने वाले अत्याचार और व्यवहार के कारणों का पता लगाने की कोशिश की और अछूतों को समान अधिकार दिलवाने के लिए वैदिक, आर्यन, हिंदू इन सब की मानसिकता के खिलाफ लड़ने की भूमिका आरंभ कर दी। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष इसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ता है और यही मूक नायक का जन्म होता है। 21-22 मार्च 1920 कोल्हापुर रियासत के माणगांव में छत्रपति शाहू महाराज की प्रेरणा से
डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में दक्षिण महाराष्ट्र के बहिष्कृत वर्ग की परिषद संपन्न हुई और इसी वर्ष 30 मई को नागपुर में संपन्न हुई अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद के अध्यक्ष छत्रपति शाहू महाराज थे। भाइयों, आपको डॉक्टर अंबेडकर के रूप में अपना रक्षक नेता मिल गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर आपकी अछूतपन की बेड़िया काट डालेंगे। समय आएगा और डॉक्टर अंबेडकर भारत के प्रथम श्रेणी के नेता के रूप में चमकेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई में 4 साल का अंतर पड़ चुका था, फिर भी लंदन विश्वविद्यालय के सीनेट ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और डॉक्टर अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेने की तैयारी करने लगे। अंबेडकर, ओ अंबेडकर, अंबेडकर, ओ अंबेडकर। शाहू महाराज, नमस्ते महाराज, आइए बैठिए। हाँ, क्या चल रहा था? कुछ लिख रहे थे? अरे ओ बहन, एक कप चाय पिलाओगी? मस्त कड़क। हाँ हाँ रमा, चाय बना लो। हाँ, आप लंदन जा रहे हो ना? जी महाराज। ये लो, ये मेरी ओर से भेंट, साथ में रखो। महाराज? हाँ, रमा भाई मेरी छोटी बहन है, आप लंदन से लौट कर आने तक उसके मायके कोल्हापुर में ही रहेगी। महाराज, इस सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं परिवार की यही बंबई में यथासंभव व्यवस्था करके जा रहा हूँ। लंदन में MSc, DSc, बैरिस्टर एट लॉ हासिल कर उच्च विद्या विभूषित डॉक्टर अंबेडकर भारत लौट आए। उस समय इतनी डिग्रियां हासिल करने वाले एकमेव भारतीय थे। हम पर्वत के पास खड़े होते हैं तो हमें पर्वत की ऊंचाई का एहसास नहीं होता, लेकिन हम जैसे जैसे उससे दूर होते हैं वैसे वैसे पर्वत की ऊंचाई हमें प्रभावित करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक युग पुरुष है, कल्प पुरुष। भाई और बहनों, यह आंदोलन पानी के लिए नहीं है, तालाब सभी का है, पानी भी सभी को मिलना चाहिए। साथियों, ये आंदोलन हमारे मानवीय अधिकारों को प्रस्थापित करने का आंदोलन है, समानता की आवाज बुलंद करने का आंदोलन है, और इसलिए मैं आज इस सभा की तुलना फ्रांस की राष्ट्रीय सभा से करता हूँ। भाई और बहनों, हमें इस तालाब के पानी पर अपना अधिकार स्थापित करना है। हमारी आज की ये परिषद सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी प्रकार की उपलब्धियों को हासिल करने के लिए है। हम जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। महाधिवेशन को हम किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो यह अपने आप में ऐतिहासिक तथा युग प्रवर्तक रहा है। यह भारत के इतिहास का पहला मानवाधिकार आंदोलन है जो यूरोप के स्लेवरी कन्वेंशन के समांतर माना जाता है। महान सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि अछूत लोगों में आत्मसम्मान तथा आत्म सुधार की भावना जागृत हुई। कोलाबा जिले की इस परिषद में डॉक्टर अम्बेडकर का मिजाज कुछ इस तरह था। कुछ लोग कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था को अलग थलग रखते हुए केवल अस्पृश्यता को समाप्त कर समाधान मान लेना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, जाति व्यवस्था में जो गैर बराबरी है उसे नष्ट किए बगैर अस्पृश्यता को नष्ट करने का उद्देश्य रखना निम्नतम और छोटा उद्देश्य है। हम ध्यान रखें, असफलता नहीं, निम्नतम उद्देश्य रखना गुनाह है। अस्पृश्यता का कलंक मिट भी गया तो ऐसी स्थिति में वर्तमान अछूतों का स्तर क्या होगा? 14 तालाब का पानी भड़क उठा था, अस्मिता और स्वाभिमान की चिंगारियां अछूतों में भड़कने लगी थी और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना
आज हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन मंदिर प्रवेश कोई हमारी समस्याओं का हल नहीं है। हमारी समस्या विस्तृत है, व्यापक है, वो सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, शैक्षणिक और राजनैतिक भी है। मंदिर प्रवेश का मुद्दा हिंदू मानसिकता के लिए एक चुनौती है, जिन ऊंची जातियों ने सदियों से हमारा शोषण किया है, क्या वे हिंदू हमारे मानवीय अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार है? भाई और बहनों, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। ये प्रश्न इस मंदिर प्रवेश सत्याग्रह से उठेगा। ये सत्याग्रह उच्च जाति हिंदुओं के अंतकरण में परिवर्तन करने का एक अवसर है, जिसकी सफलता हिंदुओं के मन पर निर्भर करती है। अक्टूबर नवंबर 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में यह सम्मेलन बुलाया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारत का एक ऐसा संविधान बने जिसमें सभी घटकों की सहमति हो, और इसलिए हर स्तर से एक प्रतिनिधि बुलाया गया। हिंदुओं के प्रतिनिधि सर तेग बहादुर सप्रू, एमआर जयकर, चमनलाल, सितलवाड़, श्रीनिवास शास्त्री और चिंतामणि। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे नवाब आगा खां, सर मोहम्मद शफी और फजल हक। सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार उज्जवल सिंह कर रहे थे। भारत की रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित हुए। अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में राय बहादुर श्रीनिवासन और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सम्मिलित हुए। मैं और राय बहादुर श्रीनिवासन उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने आए हैं जो अछूत है और जिनकी आबादी 6 करोड़ है। ये ना तो मुसलमानों में शामिल है ना हिंदुओं में, ये दोनों से अलग है, गुलामों से भी बदतर। गुलाम कम से कम अपने स्वामी के शरीर को स्पर्श कर सकता है, लेकिन अछूतों को ये अधिकार भी प्राप्त नहीं है। अछूत सभी नागरिक अधिकार और अवसरों से दूर है, इसलिए नौकरशाही सरकार के स्थान पर एक ऐसी सरकार बने जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हो। ब्रिटिशों के आने के पहले से ही हम अस्पृश्यता के कारण घृणित अवस्था में हैं। हैज द ब्रिटिश गवर्नमेंट डन एनीथिंग टू रिमूव इट? क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे दूर करने के लिए कुछ किया है? हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाते थे, हम पुलिस फोर्स में भर्ती नहीं हो पाते थे, मिलिट्री में सेवा की हमें अनुमति नहीं थी और वो आज भी नहीं है। हमारी समस्या का राजनैतिक समाधान होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे अधिकार दूसरे लोगों के हाथों में जाए। नए संविधान के निर्माण में भारतीय संरचना का अवश्य ध्यान रखा जाए। छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करे। अछूत भारत में एक अलग अल्पसंख्यक वर्ग है, उन्हें विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व मिले और वो भी चुनाव के द्वारा, नो नॉमिनेशन। हम दलित वर्ग और हिंदुओं के बीच पूर्ण विभाजन चाहते हैं। हम हमारी हितों की रक्षा के लिए अलग प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण पर इंग्लैंड के इंडियन मेल समाचार ने लिखा था कि डॉक्टर अंबेडकर का यह संभाषण भाषण कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गोलमेज परिषद में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया गया वक्तव्य तार्किकता, स्पष्टवादिता और बुद्धिमता की दृष्टि से बेजोड़ था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन अछूत वर्ग की समस्या एक सामाजिक समस्या है जिसकी जड़ें राजनीतिक समाधान में है। लोग हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठाने नहीं देंगे, इसलिए हमें पुख्ता राजनीतिक अधिकार चाहिए। इसके लिए राय बहादुर श्रीनिवासन और डॉक्टर अंबेडकर ने एक मेमोरेंडम भी पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने वयस्क मताधिकार को आवश्यक माना और साथ ही साथ वे महिलाओं के मताधिकार पर भी अपनी राय रख रहे थे और वे उसके भी पक्षधर थे। इस पहली गोलमेज परिषद में गांधी जी नहीं गए थे। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ समझौता कर लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन
वापिस ले लिया। सीधी भाषा में कहें तो ये कांग्रेस की हार थी और फिर दूसरी गोलमेज परिषद में जाकर आरोप लगाया कि जो प्रतिनिधि यहां उपस्थित हुए हैं वे अपने समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी के इस आरोप का मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा यदि अछूत वर्ग को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए तो वे मुझे ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे क्योंकि मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर का गांधी से असली टकराव गोलमेज परिषद से ही शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर पृथक प्रतिनिधित्व के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि 1916 में जब भारत के ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया तो कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के लिए भी यह अधिकार चाहते थे। दूसरे गोलमेज परिषद में पहुंचने से पहले मनी भवन में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की जो बातचीत हुई उसे भी थोड़ा देख ले। यह 14 अगस्त 1931 की बात है। मैं अपने स्कूल के दिनों से सोचता रहा हूँ अछूतों के बारे में, जबकि तब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने अछूतों की समस्याओं को कांग्रेस से जोड़ा। ठीक किया आपने मेरे जन्म के पहले से अछूतों की समस्या के बारे में सोचना आरंभ किया। सभी वृद्ध लोग अपनी अपनी आयु पर बल देते हैं। हमने 20 लाख इकट्ठा किए अछूतों के उन्नति के लिए। सब बर्बाद किए, खर्च नहीं किए। कांग्रेस का अछूतोद्धार सिवाय ढोंग के कुछ नहीं। कांग्रेस अगर सच्ची होती तो जैसे सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया वैसे ही छुआछूत दूर करने की भी शर्त लगा देती। देखो अछूतों का प्रश्न मेरे लिए हिंदू मुसलमान दोनों के सवालों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अछूतों के प्रति मेरे मन में इतनी आत्मीयता होने पर भी मुझे तो आज तक इसका अनुभव नहीं मिला। भाई कांग्रेस के ये सारे प्रयास किसी त्योहार में नए कपड़े सिलने जैसे है। यदि कांग्रेस ने वास्तव में छुआछूत दूर करने के लिए कुछ किया होता तो नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने नासिक में अछूतों के मंदिर प्रवेश का विरोध नहीं किया होता। और हाँ, आपने भी उस सत्याग्रह के प्रति विरोध प्रकट किया था। गोलमेज परिषद में आपके कार्य की जो रिपोर्ट मुझे मिली है उससे मैं जानता हूँ कि आप महान देशभक्त। देशभक्त बनने के लिए जरूरी है आदमी किसी देश को अपना देश कह सके। मैं कहता हूँ मेरी मातृभूमि नहीं है। जिस देश के सार्वजनिक स्थानों से मुझे पानी तक नहीं पीने दिया जाता उसे मैं अपना देश कैसे कह सकता हूँ। हाँ, फिर भी मैं अपने देश के हितों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन अछूतों के हित में जो मुझसे हो सकेगा वो मैं जरूर करूंगा। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों की तरह अछूतों को भी पृथक प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया है। कांग्रेस मुसलमानों की मांग स्वीकार करती ही है, क्या वो हमारी मांग स्वीकार करेंगी? मैं हिंदुओं से पृथक अछूतों को राजनीतिक अधिकार देने के विरुद्ध। धन्यवाद आपके स्पष्ट मत के लिए। अब हम दोनों की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। हमें पता चल गया है हम कहां खड़े हैं। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की पहली भेंट समाप्त हुई, या फिर यूं कहे कि गांधी जी के साथ छिड़ने वाली डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई का बिगुल बजा। 15 अगस्त 1931 को समता दल के 2000 स्वयंसेवकों ने डॉक्टर अंबेडकर को बिलाई पियर के बंदरगाह पर विदाई की सलामी दी और डॉक्टर अंबेडकर दूसरी गोलमेज परिषद के लिए रवाना हुए। कांग्रेस देश के हिंदू मुसलमान अस्पृश्य तथा रियासतों की प्रजा का प्रतिनिधित्व करती है। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं सबका प्रतिनिधित्व करता हूँ। गांधी के भाषण का रुख डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत भाप लिया और रियासत वालों को जता दिया कि हम इनकी मांगे मंजूर नहीं करेंगे। जरूरी है कि सर्वसाधारण जनता को सभ्य और सुसंस्कृति जीवन जीने की गारंटी होनी चाहिए और रियासतों में चुनाव के द्वारा जनता के प्रतिनिधियों को चुना जाना चाहिए। दूसरे गोलमेज परिषद के फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही स्पष्ट रवैया अपना। प्राइम मिनिस्टर, टू मेक वन थिंग क्लियर, आवर सबमिशन इज दैट इफ
यू मेक ट्रांसफर ऑफ पावर, द ट्रांसफर विल बी अकंपनाइड बाय सच कंडीशंस एंड बाय सच प्रोविजंस दैट द पावर शैल नॉट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ क्लाइक, द पावर शैल बी शेयर्ड बाय ऑल कम्युनिटीज इन देयर रिस्पेक्टिव प्रपोर्शन। ये हमारा मेमोरेंडम है। हमारी पहली शर्त है समान नागरिकता, इक्वल सिटीजनशिप, फ्री एंजॉयमेंट ऑफ इक्वल राइट्स, समान अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपभोग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व, नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर एंड सर्विस, रिड्रेस अगेंस्ट प्री जुडिशियल एक्शन ऑफ इंटरेस्ट, स्पेशल डिपार्टमेंटल केयर एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड द कैबिनेट। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ साथ अछूत वर्ग की भी मंत्रिमंडल में भागीदारी होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अल्पसंख्यक कमेटी के सामने रखी गई इन शर्तों का गांधी ने डटकर विरोध किया। गांधी नहीं चाहते थे कि अछूत वर्ग की कोई स्वतंत्र पहचान बने। अछूतों के राजनीतिक अधिकारों को रोकने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों को हिंदू और मुसलमानों से अलग एक समुदाय सिद्ध कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का एक ही सूत्र था, नए संविधान में अछूतों के अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए, और वो भी अभी। लंदन में डॉक्टर अंबेडकर के तर्कपूर्ण युक्तिवाद तथा विद्वत्तापूर्ण भाषणों के सामने गांधी परास्त हो गए। उनकी एक न चली। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने वे विवश हो गए और ब्रिटिश सरकार बाबा साहब की बात मानने को तैयार हो गई। प्रधानमंत्री रैम्स मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। लंदन की गोलमेज परिषद में डॉक्टर अंबेडकर की जीत हुई और गांधी जी की हार। कम्युनल अवार्ड ने अछूतों के लिए सीटों का एक निश्चित कोटा दिया, जो पृथक चुनाव पद्धति द्वारा चुने जाने थे, और दो मतों का प्रावधान। एक मत का प्रयोग पृथक चुनाव पद्धति द्वारा होना था, दूसरे मत का प्रयोग सामान्य चुनाव पद्धति से होना था। कम्युनल अवार्ड घोषित होते ही गांधी आग बबूला हो उठे और अछूतों के राजनीतिक अधिकार के विरोध में खुलकर सामने आए। मैं अपने जान की बाजी लगाकर भी अछूतों की पृथक चुनाव पद्धति का विरोध करूंगा, और इसे पूरा करने के लिए पूना के येरवदा जेल के सामने 20 सितंबर 1932 को आमरण उपोषण पर बैठ गए। वैष्णव जन तो तेले कहिए जे पीड़ परा। पूरे देश में गांधी बचाओ का शोर मचने लगा और डॉक्टर अंबेडकर पर अपने अधिकार छोड़ देने का दबाव भी बढ़ने लगा। लोगों को गांधी जी के प्राण प्यारे थे। अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व देने से किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही थी, लेकिन भारतीय सामाजिक राजनीति पर अपना अधिकार बनाए रखने की ये वैदिक ब्राह्मणों की जिद थी, और इसका मोहरा गांधी थे। डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी के प्राण बचा लीजिए, जीत छोड़िए, मैं आपसे भीख मांगता हूं। गांधी जी के प्राण बचाने के हर संभव प्रयास किए जाए, लेकिन मालवीय जी, ये मेरा चार्टर ऑफ डिमांड्स है। मुझसे ये आशा न करें कि मैं अछूतों के डिप्रेस्ड क्लासेस के अधिकारों से विमुख हो जाऊं। मुझे लैंप पोस्ट पर लटका कर मार भी डालोगे तब भी मैं अपने लोगों के अधिकारों को नहीं छोड़ूंगा। प्रतिनिधित्व नहीं मिलने दूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। तीन दिन हो गए, बापू ने कुछ नहीं खाया। मेरे बापू को बचा लो अंबेडकर, मैं अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ। मेरे बापू को बचा लो। साहब, मेरे पिता का जीवन आपके हाथ में है, वरना मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ जाएगा। मेरे पिता को बचा लीजिए बाबा साहब। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का ये सबसे दुविधा भरा क्षण, एक तरफ गांधी के प्राण, दूसरी तरफ 6 करोड़ अछूतों के अधिकार। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने मानवता की पुकार सुनी। राजा राम का पिता।
एक ओर गांधी जी को निश्चित मृत्यु से बचाना, दूसरी ओर मेरे सामने अछूतों के राजनैतिक अधिकार को बचाने की समस्या थी, जो उन्हें प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड के रूप में दिए। मैंने मानवता की पुकार सुनी और गांधी जी की संतुष्टि के अनुसार कम्युनल अवार्ड में परिवर्तन कर उनकी जान बचाई। रमाबाई, त्याग की मूर्ति जिसका कोई विकल्प नहीं, जो कुछ हिस्से में आया उसे ही मीठा समझकर अपने पास रख लिया, कभी किसी से शिकायत नहीं। हां, बाबा साहब की किताबें उन्हें अपनी सौतन जरूर नजर आती थी, लेकिन जब भी बाबा साहब पढ़ते रहते थे वह दरवाजा अंदर से बंद कर दिया करती थी। दिन रात बाबा साहब की सुरक्षा की चिंता की, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करती रही। रमाबाई ने जीवन के सच को बड़ी गहराई से अनुभव किया, वरना एक प्रोफेसर की पत्नी अपने बच्चों के साथ परेल की चाल की दो कमरों में कैसे रहती। एक बैरिस्टर की सहचारिणी रमाबाई ने सिर पर गोबर उठाने में कभी कोई कमी महसूस नहीं की, और बाबा साहब जो घर चलाने के लिए हर माह 50 रुपये दिया करते थे, रमाबाई उसके 150-150 रुपये की 30 पुड़िया बना लेती और हर रोज 1 पुड़िया से काम चला लेती। बाबा साहब कभी घर पर रहे तो रमाबाई के मन को टटोलने का प्रयास करते थे। रामू, बताओ तो, मनुष्य का मनुष्य से नाता होना चाहिए या फिर पत्थरों की देवी देवताओं से? साहिब, इन देवी देवताओं से हमारा जन्मों का रिश्ता है। और मुझसे? आपसे भी। पर आपने भी तो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया। अछूतों में स्वाभिमान जगाना था, धार्मिक बराबरी के अधिकार की लड़ाई है वो। रमा, तुम्हें भी तो लंबे समय से देवी देवताओं में बड़ा विश्वास रहा है। हाँ, विश्वास रहा है। विश्वास नहीं, अंधविश्वास। आस्था, श्रद्धा, भक्ति। भक्ति तो संतों ने भी बहुत की, पर क्या मिला? तिरस्कार। रमा, तुम नहीं जानती। मैं क्यों जानूं? सब कुछ तो आप ही जानते हैं। नहीं रामू, स्त्रियों ने भी बहुत कुछ जानना चाहिए। अच्छा बताओ रामू, क्या तुम्हारे देवता बोलते हैं? नहीं। तो सुनते होंगे, बताओ ना। क्या बताऊं? अरे, जो देवता बोलता नहीं, सुनता नहीं, वो किसी का क्या भला करेगा? ये सब मन का खेल है। बड़ी जिद थी तुम्हें पंढरपुर चलने की। तो क्या हुआ? मंदिर में तो पुजारियों ने घुसने भी नहीं दिया, 100 गज दूर से ही सांत्वना करनी पड़ी। लेकिन याद रखना रमा, एक पंढरपुर मैं भी बनाऊंगा, बनाऊंगा जरूर। अछूतों का पंढरपुर, दबे कुचलों का पंढरपुर। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अंधविश्वासों को मन से उखाड़ने पर जोर देते थे, और इसीलिए उनके तर्क भी उतने ही मजबूत होते थे। लेकिन बाबा साहब के आंदोलन की वो ताकत थी जो मन और मस्तिष्क को हमेशा बल देती थी। महाड सत्याग्रह की जब बाबा साहब योजना बना रहे थे, तो रमाबाई भी चौदार तालाब पर चलने का आग्रह करने लगी। बाबा साहब ने पूछा, वहां आकर क्या करोगी? तो इस पर कहने लगी, मैं सत्याग्रहियों के लिए खाना बनाऊंगी। ये सूरज की बिल्कुल छाया थी। 5 बच्चों को जन्म दिया रमाबाई ने, यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न। पर बड़ी विडंबना है कि एक बैरिस्टर प्रोफेसर बाबा साहब अपने इन बच्चों की देखभाल भी न कर सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर शोक का पहाड़ ही टूट पड़ा। उनकी मानसिक अवस्था का वर्णन करना
बड़ा ही मुश्किल है। बाबा साहब का अपने पत्नी के प्रति अगाध प्रेम था। उन्हें विश्व विख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई की भूमिका बड़ी थी। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, बाल मुंडवा लिए और श्रामनेर सन्यासी सा व्यवहार करने लगे। इसे लोग बाबा साहब का सार्वजनिक जीवन से अज्ञातवास कहते हैं। लेकिन 13 अक्टूबर 1935 का सूरज उठा और येवला में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कंठ फूटा। जाति भेद की समस्या एक प्रकार से सवर्ण हिंदू और अछूतों के बीच वर्ग संघर्ष ही है। जैसे ही हाशिए के लोग समानता का दावा आरंभ करते हैं, वैसे ही वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म त्यागने से इस वर्ग संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। वो लोग जो इस बात के लिए शोर मचाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वे अपने ही सहधर्मी मानव को पशु से भी तुच्छ समझते हैं। ऐसे लोग पाखंडी है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मेल जोल मत रखो, जो कीड़े मकोड़ों के बिलों पर मिठाइयां बिखेरते हैं लेकिन एक मनुष्य को पानी पीने से मना करते हैं, उसे भूखा मार डालते हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि धर्म परिवर्तन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। भारत को जैसे स्वराज्य की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही अछूतों को हिंदू धर्म त्यागने की आवश्यकता है। मैं आज घोषणा करता हूं, मैं हिंदू अवश्य पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। फिर क्या, धर्मांतर पर परिषदों का सिलसिला शुरू हो गया। वो धर्म, वह संस्कृति जो इंसान को इंसान नहीं समझती, उसमें क्यों रहे? मातंग मांग परिषद का आयोजन हुआ। देवदासियों और अन्य समुदायों की भी परिषदों को बाबा साहब और उनके कार्यकर्ता संबोधित करते और मानवीय संस्कृति की ओर अग्रसर होने का वातावरण बनाते। और इसी समय दक्षिण भारत में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर छुआछूत के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। द्रविड़ों में जो सामाजिक क्रांति का आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी पार्श्वभूमि में आयुति दास की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन ये आंदोलन पेरियार ईवी नायकर ने बड़ा किया। मनु के कानून अमानवीय है और पुराणों की परियों की कहानियां हैं और हिंदू धर्म उसके नियंत्रण का ब्राह्मणी हथियार है। केरल के द्रविड़ कंगम का आंदोलन जातिवाद, ईश्वरवाद और धर्मवाद को समाप्त करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्मांतरण की घोषणा कर दी है। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वासों से हम बाहर निकले। हमारा आंदोलन स्वसम्मान का आंदोलन है, स्वाभिमान का आंदोलन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मानवतावादी सोच पूरे भारत में फैलने लगी। बाबा साहब भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अमूलाग्र परिवर्तन की सोच रखते हैं और राजनीतिक पैतरे को भी जानते हैं। आज का युग जातिवादी पार्टी के गठन का युग नहीं है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का उद्देश्य यही है कि डिप्रेस्ड क्लासेस और लेबरर क्लासेस के बीच राजनीतिक सहयोग की गुंजाइश होनी चाहिए। इसलिए हमारी नई पार्टी का नाम स्वतंत्र मजदूर पार्टी है। अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों से हमारा दल पूरी तरह अलग होगा। ये बुनियादी तौर पर मजदूर वर्ग के हितों के लिए है और मजदूरों का बड़ा वर्ग है जो गुलाम है, शोषित है। दूसरे विश्व युद्ध की हवाएं बहने लगी और हिटलर ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ब्रिटेन भी इससे पूरी तरह त्रस्त था और युद्ध के विनाश के बादल पूरी दुनिया पर मंडरा रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महार जाति के मार्शल होने पर बहुत गर्व था और भीमा कोरेगांव का जिक्र तो वे करते ही थे। अब वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर होने की हैसियत से उन्होंने ब्रिटिश नौकरशाही के फरमानों का जमकर विरोध किया और दूसरे विश्व युद्ध की काली छाया में ब्रिटेन तो फंसा ही था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से फिर सेना में महारों तथा अन्य अछूत जातियों की भर्ती शुरू हो गई और सिपाहियों के साथ ही अधिकारियों की भी भर्ती होने लगी। 13 नवंबर 1942 को आकाशवाणी बंबई से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ये युद्ध संसार की सीमाओं के निर्धारण के लिए नहीं है बल्कि ये ऐसी क्रांति है जो मनुष्य समाज के बीच सहकारी जीवन के विचारों के बीच परिवर्तन चाहती है।
इसलिए मजदूरों ने नाजियों के विरुद्ध जीत हासिल करने के लिए लड़ना चाहिए। यदि नाजी जीत गए तो आजादी को कुचल देंगे, समानता और भाईचारे को ठुकरा देंगे। इस युद्ध में जीत का मतलब है स्वतंत्रता तथा विश्व की नई सामाजिक व्यवस्था। इसलिए भारत छोड़ो पर कम और नए भारत के निर्माण पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ये युद्ध डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप के बीच में है। भारत के क्षितिज पर डॉक्टर अंबेडकर के रूप में एक मानवतावादी राष्ट्रीय नेता का उदय हो चुका था, जिसका वैश्विक दृष्टिकोण सबसे भिन्न था। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर श्रम सदस्य के रूप में कार्यरत थे। दामोदर वैली डैम, महानदी डैम, सोनघाटी बांध, हीराकुंड डैम जैसे 8 बांधों का निर्माण केवल 4 वर्षों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा कराया। तुंगभद्र बांध और भांकड़ा डैम भी इसी कड़ी का हिस्सा है। श्रम विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय ऊर्जा आयोग का गठन भी डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ, जो नदी बांध, सिंचाई और विद्युत उत्पादन पर केंद्रित था, जिसे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी भी बाबा साहब की देन है। एक श्रम मंत्री के रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका बहुत बड़ी है। रोजगार कार्यालय का निर्माण, काम के 8 घंटे, महिलाओं की श्रम कल्याण निधि, साप्ताहिक अवकाश, प्रसवकाल की छुट्टियां, भूमिगत खदानों में महिलाओं के काम पर प्रतिबंध, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, महंगाई भत्ता, औद्योगिक विवाद और उन्हें सुलझाने वाली त्रिपक्षीय श्रम परिषद आदि डॉक्टर अंबेडकर की भारत के श्रम जगत को देन है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी बुद्धिमानी, दूरदृष्टि, कर्तव्य परायणता और निष्ठा के साथ पूरा किया। जब डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने तो सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उद्योग तथा आर्थिक उन्नति संबंधी योजना बनाकर भारत के पुनर्निर्माण के कार्य में जुट गए। उन्होंने ऊर्जा आयोग भी बनाया तथा बांध परियोजना से उसे जोड़कर विद्युत उत्पादन, बांध के पानी से सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नौकायान आदि की व्यवस्था बनाई। इसी दौरान 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्रिप्स योजना के मद्देनजर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया और शिक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टि से पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। लोकतंत्र के बीजारोपण का भी समय आ गया। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। बाबा साहब चाह रहे थे कि संविधान सभा में जाए, इसकी जिम्मेदारी जोगेंद्रनाथ मंडल ने उठाई और इसी बीच 31 जुलाई 1946 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल जाएगा। लेकिन हम कांग्रेस से सवाल करते हैं, ये स्पष्ट किया जाए कि 6 करोड़ दलितों को संविधान में कौन सा स्थान प्राप्त होगा। भारत के 6 करोड़ अछूतों की आजादी ही वास्तव में भारत की आजादी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में भेजना संभव नहीं था और लोह पुरुष की सोच यह थी। पटेल साहब, ये अंबेडकर तो हमारे सर पे ही बैठते जा रहा है। आप तो कह रहे थे हम उसे संविधान सभा में जाने ही नहीं देंगे, फिर आगे क्या? हाँ, यही सोचकर तो हमने अंबेडकर जी को अस्थाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने संविधान सभा की घोषणा में थोड़ी जल्दी ही कर दी। तो फिर अब क्या किया जाए? घबराओ मत, हमने तो यह व्यवस्था कर रखी है कि डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान सभा के दरवाजे नहीं, खिड़कियां भी बंद कर दी जाए। अब देखना यह है कि कैसे आते हैं वहां संविधान सभा में। संविधान सभा में जाने के लिए कम से कम 5 विधायकों की जरूरत थी, तो जोगेंद्रनाथ मंडल, मुकुंद बिहारी मल्लिक, संतोष कुमार मल्लिक, शुभाना मित्र सरकार, गयानाथ विश्वास, नगेंद्र नारायण रॉय, अपुराबल मुजुमदार, चुन्नीलाल विश्वास, मिलिंद्र दास और बीर बिरसा
इन विधायकों के बल पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। इसमें देश भर के अछूत कार्यकर्ताओं ने पूर्व बंगाल जाकर इस चुनाव की देखरेख की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा के उद्देश्यों पर चर्चा करने वाला प्रस्ताव रखा गया। इस पर डॉक्टर जयकर की उप सूचना आई। मुस्लिम लीग उपस्थित रहने पर ही उद्देश्यों पर चर्चा की जाए, इस बात पर हो हल्ला मचा और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर से बोलने की विनती की। आज भले ही हम राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से टूट गए हैं, फिर भी परिस्थितियां अनुकूल होते ही हमारी एकता को कोई रोक नहीं सकेगा। आज भले ही मुस्लिम लीग देश के टुकड़े करने के लिए आंदोलन चला रही है, फिर भी एक दिन ऐसा आएगा और हम महसूस करेंगे कि अखंड भारत ही हम सबके लिए हितकर है। संसदीय लोकतंत्र सबसे जरूरी है। संविधान में राज्य समाजवाद स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस भाषण से लोगों का बाबा साहब की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। भारतीय समाचार पत्रों ने तो बाबा साहब की अखंड भारत की घोषणा के साथ सराहना की। डॉक्टर अम्बेडकर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सलाहकार बन गए। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 को शुरू हुआ। संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में उप समितियों का गठन किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी 38 शेड्यूल कास्ट सिपाहियों को कोर्ट मार्शल की सजा से मुक्त कराया। बाबा साहब की गुणवत्ता पर अब देश के अखबारों में प्रशंसा लेख छपने लगे। अप्रैल 1947 में संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन ये वाक्यांश स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के भी डॉक्टर अंबेडकर सदस्य थे। अशोक चक्र और चरखा पर बहस चली। डॉक्टर अंबेडकर ने सारनाथ और अशोक चक्र की व्यावहारिक, दार्शनिक और कलात्मक श्रेष्ठता समझाई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज के लिए अशोक चक्र स्वीकार कर लिया गया। वैदिक आर्य ब्राह्मण समूह नहीं चाहता था कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। हुआ, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि प्रजातांत्रिक संविधान का निर्माण करेगा कौन। इसके बगैर ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिलनी नहीं थी और उस वक्त दुनिया के 6 विद्वानों में डॉक्टर अंबेडकर अव्वल थे। भारत की मजबूरी थी। ऐसे में संविधान सभा की पहली बैठक में नेहरू और जयकर की जो झड़प हुई थी, उसके शिकार डॉक्टर जयकर बने। उन्होंने बंबई विधिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा के लिए सर्वसम्मति से चुना गया। 3 अगस्त 1947 को मंत्रिमंडल की घोषणा की गई। अब बाबा साहब का नाम मंत्रिमंडल में शामिल था। उन्हें कानून मंत्रालय सौंपा गया। 30 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं। इसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर चुने गए। इसमें एक बात उल्लेखनीय है कि 560 राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया, उसके एवज में डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। भारतीय संविधान सभा की 23 कमेटियां थी, जिनमें से 18 कमेटियों पर डॉक्टर अंबेडकर थे और 20 कमेटियों का काम डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया। देश दुनिया की इतनी जद्दोजहद में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नागवंशीय सिंधु जागरण जारी रहा। उनकी कलम रुकी नहीं। Who Were the Shudras, The Untouchables जैसे शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए और संविधान की बड़ी जिम्मेदारी भी कलम पर आई। वैसे संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 17 दिन का समय लगा, लेकिन संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने
मात्र 4 माह 20 दिनों में तैयार कर लिया था। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा संविधान है और व्यवस्था की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ, जो मानवतावादी संस्कृति के निर्माण का घोषणा पत्र है। डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातांत्रिक प्रणाली, ये डॉक्टर अंबेडकर की भारत को सबसे बड़ी देन है। डॉक्टर अंबेडकर ने मात्र संविधान निर्माण का ही काम किया ऐसा नहीं, भारत में जो छोटे छोटे संस्थान थे उन्हें भी प्रजातांत्रिक भारत में शामिल किया और उनका संवैधानिक सेटलमेंट किया। संविधान इतना लचीला और इतना कठोर कि युद्ध हो या शांति, दोनों स्थितियों में देश को संगठित रखता है। भारतीय संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया। सरकार किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक आधार पर पिछड़े और सताए गए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC, सभी को समान वोट का अधिकार, अनुसूचित जमातियों के लिए संविधान में 5वीं एवं 6ठी अनुसूची, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, CAG के लिए स्वायत्तता, यह एक कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था जो भारतीय संविधान की विशेषता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी जिम्मेदारी से संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत का निर्माण किया। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को संविधान सौंपा और देश ने उसे स्वीकार किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, आपने ये कठिन कार्य करके दिखाया और भारत को संघीय ढांचा दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में मैंने ये बात कहीं अच्छी तरह नोट की है कि आपने अस्वस्थ रहते हुए भी बहुत उत्साह और लगन से कार्य किया। आपने इस चुनाव को न सिर्फ सार्थक बनाया बल्कि इस कार्य को 4 चांद लगाया। On 26th January 1950, India would be a democratic country in the sense that India from that day would have the government of the people, by the people and for the people. It is not that India did know what is a democracy. ऐसा समय था जब भारत गणतंत्रों से भरा था, पर जहां राजतंत्र था वहां भी चुनाव होते थे। भिक्खु संघ का अध्ययन स्पष्ट रूप से बताता है उस समय न केवल संसदें थी बल्कि सांसदीय कार्य प्रणाली भी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज व्यवस्था और जनजीवन दोनों को मजबूती प्रदान करना चाहते थे। वे चाहते थे कि समाज में समानता हो। हिंदू कोड बिल का ये प्रावधान होगा कि हिंदू स्त्रियों के जन्मता उत्पीड़न का ये उन्मूलन करेगा और महिलाओं को संपत्ति में पूर्ण अधिकार देगा। पिता की संपत्ति पर बेटियों का भी अधिकार होगा। इस बिल के द्वारा महिलाओं को तलाक की व्यवस्था भी है और पुनर्विवाह का प्रावधान भी। 15 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया। 3 दिन बहस चली और फिर उसका विचार अगले अधिवेशन तक टाल दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, तलाक तथा पुनर्विवाह को अलग समझा जाए और बिल की दुर्गति कर दी। 4 धाराओं पर बात करके हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई। बड़ी बेरहमी से इसे दफना दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का करुणामय हृदय उद्विग्न हो उठा। वे मंत्रिमंडल के विधि मंत्री थे। महिलाओं के अधिकारों की संसद में धज्जियां उड़ाई गई। बैकवर्ड क्लास कमीशन नहीं बना। फॉरेन पॉलिसी में डॉक्टर अंबेडकर कहीं नहीं थे। ना उन्हें प्लानिंग कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। यूनो में उनकी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। जबकि प्रधानमंत्री नेहरू ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री बनाते समय इसका वादा किया था, बाबा साहब क्रुद्ध हुए और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बंबई लोकसभा के जनवरी
1952 के चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर को हार का सामना करना पड़ा और उनके मुकाबले खड़े हुए शेड्यूल कास्ट के कजरोलकर को हिंदुओं ने वोट डालकर जिता दिया। पुना पैक्ट का बैड इंपैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर को उनके जीवन काल में ही भुगतना पड़ा। कांग्रेसी गैर कांग्रेसी हिंदुओं ने संगठित होकर बाबा साहब को हराया। जब भंडारा के मध्यावधि चुनाव 1954 में हुए तो बाबा साहब ने फिर कोशिश की तो फिर सवर्ण जातियों ने मिलकर उन्हें हरा दिया। किसी महानायक के साथ शायद ही दुनिया में कहीं ऐसा हुआ होगा कि उनके अपने ही देश के लोगों ने अपने ही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हराया हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो योद्धा थे जो समझौता किए बगैर लड़ते रहना जानते थे। बम्बई विधानमंडल से डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा और अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर का राज्यसभा के लिए बम्बई से चयन हुआ। भारत की विदेश नीति पर तीखा हमला करते हुए राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमें बताया गया है कि हमारी विदेश नीति शांति और मित्रता की है। मेरे ऑनररी फ्रेंड दीवान चमनलाल ने इसे नेहरू सिद्धांत कहा है। अगर ये देश की विदेश नीति के तहत ये शांति और मित्रता बनाए रखने की बात है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा दुश्मन कौन है जिसके लिए हमने इतनी विशाल सेना बनाए रखी है, जिसका खर्च 197 करोड़ है। कम्युनिस्ट देश प्रजातांत्रिक देश के मित्र नहीं हो सकते। हमने लोकतांत्रिक देशों से मित्रता करनी चाहिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई टिप्पणी ना देते हो, क्योंकि उनके जीवन का संघर्ष ही मानवीय संवेदनाओं की पूर्ति का संघर्ष है। 5 जून 1952 और 12 जनवरी 1953 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए बड़े सम्मान के वर्ष रहे। पहले तो कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर को LLD की उपाधि से सम्मानित किया और उसके बाद हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर को डिलिट की उपाधि से नवाजा। डॉक्टर अंबेडकर की समझ जीवन के हर क्षेत्र में दखल देती है। वे अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट में भाषावार प्रांत रचना को समझाते हैं, छोटे राज्यों के निर्माण के फायदे भी बतलाते हैं। कर प्रणाली कैसे हो इस विषय पर बाबा साहब का अपना स्वतंत्र चिंतन है। भारत के सभी राज्यों का भारतीय संघ में एकीकरण, देश का सेकंड कैपिटल हैदराबाद को बनाने की बात, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, दिस इज द थॉट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दूरदृष्टि है। लेकिन संसदीय प्रणाली में अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सत्ता महत्वपूर्ण होती है और इसके लिए सत्ता के भागीदार बनना भी जरूरी है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने समानतावादी मानवीय व्यवस्था के निर्माण में अपनी राजनीतिक संकल्पना को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। शीर्षक था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और अपनी इस योजना को भारत के निर्माण की परिधि में जब देखना शुरू किया तो संसदीय लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में यानी लोगों के जीवन प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए बुद्ध धम्म की ओर कदम बढ़ाया, या फिर यूं कहें कि भारत का अपने पुरातन वैभवशाली कल्याणकारी युग से परिचय कराया। ये सही मायने में जाति व्यवस्था का उच्चाटन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और यही प्रबुद्ध भारत का निर्माण है। 14 अक्टूबर 1956 भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में 10 लाख लोगों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। यह दुनिया की सबसे बड़ी धम्म क्रांति है और वैदिक आर्य ब्राह्मणी कर्मकांडी रूढ़िवादिता के विरुद्ध कल्याणकारी विचारधारा के मानवीय सभ्यता की प्रस्थापना है। बाबा साहब करे पुकार, बुद्ध धम्म का करो स्वीकार। बाबा साहब करे पुकार, बुद्ध धम्म का करो स्वीकार। बाबा साहब करे पुकार, बुद्ध धम्म का करो स्वीकार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
गच्छामि। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी उपासना करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है इस पर मेरा विश्वास नहीं है। सभी मानव मात्र समान है ऐसा मैं मानता हूं। मैं समानता प्रस्थापित करने का प्रयास करूंगा। मनुष्य मात्र को हानिकारक तथा मनुष्य को असमान तथा नीच मानने वाले हिंदू धर्म का त्याग कर मैं बुद्ध धम्म का स्वीकार करता हूँ। आज मेरा नया जन्म हो रहा है ऐसा मैं मानता हूँ। स्वतंत्र समाज की धारणा के लिए धर्म आवश्यक है, लेकिन धर्म का संबंध जीवन की वास्तविकता से होना चाहिए। ईश्वर आत्मा स्वर्ग या मृत्युलोक के चिंतन से नहीं, मनुष्य और नैतिकता ही धर्म के केंद्र होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। धर्म का कार्य है संसार की पुनर्रचना करना और उसे सुखी बनाना। धर्म दरिद्रता से बाहर निकालता है और सुखी जीवन जीने की ओर अग्रसर करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका मूल आधार समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। यही विचार बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में भी रखा है। ऐसी व्यवस्था जो कल्याणकारी है वह नैतिक आचरण के बगैर निर्माण हो नहीं सकती। तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति के लिए पंचशील दिए और पंचशीलों के आचरण के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी एक उचित जीवनचर्या। हम जो अपने लिए जितने बेहतरीन जीवन की कामना करते हैं उतना ही बेहतरीन जीवन हम अपने आसपास बनाने का प्रयास करें और सब सुखी हो जाएं। तथागत बुद्ध लोगों के हित और सभी के मंगल की कामना करते हैं। वहाँ वर्ण, जाति, भाषा, लिंग का भेद नहीं है और एक खुशहाल जीवन के लिए इसी की आवश्यकता है। यही तो है नए प्रबुद्ध भारत का उदय, नई प्रबुद्ध दुनिया का उदय, एक कल्याणकारी मानवतावादी नए विश्व का निर्माण, जिसका सूत्र आधुनिक बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, जिसे अंबेडकरिज्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दुनिया में बहुत महापुरुष हुए, मोजेस जीजस से लेकर मार्क्स तक, सबने दुनिया को कुछ न कुछ दिया, लेकिन मानव दुख निवारण कर नया प्रबुद्ध विश्व बनाने का दर्शन एवं मार्ग देने वाले एकमात्र महामानव दुनिया में केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर।
बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।